I'm I'm Sonika Rumba and today I'm here with a short rhyme in front of you all. So today the name of our rhyme is बाय Baby बंटिंग यानी क्या है हमारा रैम का नाम बाय Baby बंटिंग यानी कि यहाँ पर Bunting कौन है Bunting जो वो Baby है यानी कि आप सब लोग का नाम है हमारा नाम है है ना सबका नाम होता ही है उसी तरीके से ये जो पोएम जो है यहाँ पर जो छोटा सा जो बेबी है ना उसका नाम क्या है बंटिंग है ठीक है अब यहाँ पर ये जो पर, ये जो हमारा राइम जो है पूरा छोटा सा बेबी बंटिंग के बारे में है ठीक है तो हमारा जो राइम जो है वो कुछ इस प्रकार के है जैसे कि बाय बेबी बंटिंग डैडी इज गोना हंटिंग डैडी यानी कि उनका पापा है ना एंड पापा जो है अपना बेटी हो या बेटा हो सबको बहुत प्यार करते हैं है ना तो यहाँ पर ये जो हमारा राम जो है आज का यहाँ पर बेबी बंटिंग का जो डैडी यानी कि पापा जी जो है वो हंटिंग करने के लिए गए हैं यानी कि शिकार करने के लिए गए हैं आप शिकार करने के लिए क्यों गए हैं ठीक है देखे? अब शिकार सबका का क्या होता है शौक होता है हंटिंग करने का है ना कोई कभी मीट खाने का अब यहाँ पर जो शिकार करने के लिए क्यों गया है वो हम देखेंगे ठीक है तो बाय बेबी बंटिंग डैड इज गर्न हंटिंग किसके लिए गया है हंटिंग करने के लिए टू गेट अ रैबिट स्किन तो रैबिट का स्किन यानी कि बाहर का जो स्किन जो होता है वो हंटिंग करने के लिए गया है अब वो क्यों बताओ क्यों क्योंकि वो जो रैबिट का जो स्किन जो है वो लेने के बाद वो अपना बेबी है जिसका नाम बंटिंग है उसको लपेटने के लिए यानी कि टू रैप अ बेबी अंटिंग इन रैप का मतलब है लपेटना इन यानी कि अंदर ठीक तो है तो हमारा रैंक कैसा है बाय बेबी बांटिंग डैड इज गोना हंटिंग टू गेट अ रैबिट स्किन टू रैप द बेबी बांटिंग

to get a rabbit skin to get a rabbit skin to wrap the baby bunting in to wrap the baby bunting in to wrap the baby bunting in by baby bunting daddy's gonna hunt it, to get a rabbit skin टू रैप द बेबी बंटिंग in, टू रैप द बेबी बंटिंग in, टू रैप द बेबी बंटिंग in. ठीक है इस तरीके से आपको राइम करना है ठीक है तो ये राइम आपको समझ में आ गया होगा कि किसके बारे में है यानी कि बेबी बंटिंग एंड उनका जो पापा जो है उनके बारे में यानी कि उनका पापा जो है प्यार से रैबिट स्किन जो है अपने बेबी यानी कि बंटिंग के लिए यानी कि उसको अच्छी तरीके से रैप करके उसके अंदर डालने के लिए ही वो शिकार में गए हैं ना तो रैबिट का शिकार करके उसके मीट खाने के लिए नहीं गए हैं वो क्या करने के लिए गए हैं रैबिट का जो स्किन जो है उसको हंड करने के बाद उसको निकाल के ना अपने बेबी को रैप करने के लिए गए ठीक है क्योंकि आपको पता ही होगा कि एनिमल स्किन से जो बना हुआ जो फोर से बना हुआ जो भी कपड़ा जो होता है उससे क्या होता है हम लोग को गर्मी महसूस होता है एंड यहाँ पर छोटे बच्चे को हमें गर्म रखना चाहिए क्यों क्योंकि अगर हम उन लोग को ठंडा रखेंगे तो क्या हो जाएगा बुखार हो जाएगा तो इसीलिए ये जो हमारा रैम जो है बाय बेबी वी उसमें टेंग यहाँ पर उनका पापा जी जो है या इनकी डैडी जो है अपने बेटी के लिए उसको गर्म रखने के लिए ही वो शिकार करने के लिए गए हैं ठीक है

Baby bunting in okay This much for today okay So thank you bye bye.